झारखंड राज्य इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को तैयार कर रहा है, या यूं कहें कि यहां के खिलाड़ी अपनी मेहनत के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। इनमें से एक है गुमला जिले की अष्टम उराव। अष्टम के गांव की स्थिति बहुत ही दयनीय है और इस बीच जिला प्रशासन ने गाँव तक विकास पथ पहुँचाया है। देखिए रिपोर्ट। अष्टम ने अभाव में संभावनाओं की तलाश की और अपनी प्रतिभाओं को निखारा। प्रतिभा का लोहा मनवाने के बाद अष्टम को फीफा 17 का कप्तान बनाया गया है। लेकिन गुमला जिला के विशुनपुर प्रखंड के बनारी गांव के रहने वाले अष्टम का परिवार गरीबी और तंगहाली की जिंदगी बिताने को मजबूर है। हालांकि जिला प्रशासन सक्रियता दिखाते हुए अष्टम के गांव तक पहुंच पथ का निर्माण कराना शुरू कर दिया है। यह सड़क अष्टम के नाम पर ही बनाया जा रहा है। इस सड़क के निर्माण मजदूर के रूप में अष्टम के माता पिता भी काम कर रहे हैं, जिन्हें दैनिक मजदूरी महज 250 रुपए मिल रहा है। स्थिति है, इस कारण से हम लोग को पैसा का आवश्यकता पड़ता है। इस कारण हम लोग को तो काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो बच्चों को हम लोग पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इस कारण हम लोग कहीं भी काम मिलता है तो हम लोग काम नहीं चले जाते हैं। हाँ, काम तो किए हैं। 11 अक्टूबर को उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंग स्टेडियम में भारत और अमेरिका के बीच मैच खेला गया। भारतीय टीम की मेजबानी अष्टम उराव ने की। एक ओर जहां खेल प्रेमियों की निगाहें मैच की ओर टिकी रही, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन BDO और जिला खेल पदाधिकारी अष्टम के घर TV और इन्वर्टर लेकर पहुंचे। उन्होंने अष्टम के माता पिता को TV और इन्वर्टर सौंपा ताकि वो भारत और अमेरिका के बीच हो रहे मैच को देख सके। इतना राम नाम रोशन कर लक से कर में रोड मिलला तो योने हम कर काम करते ही मैया का नाम से रोड निकले से करो नहीं। लेकिन हम कर स्थिति खराब है, गरीब स्थिति है से, लेकिन कमाते हैं कहाँ से पैसा मिले जो हम जुआन के पूरा खराब कह के हम खूब कमाते रही पैसा। जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बून और प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदा भट्टाचार्य की माने तो गुमला जिले में अष्टम उराव के नाम पर स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा ताकि अष्टम की तरह जिले के अन्य खिलाड़ी अभ्यास कर सके। को बधाई दूंगी और उसको शुभकामनाएं भी। हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वो जीत के आए, जिससे न सिर्फ देश की बल्कि राज्य, जिला और हमारे प्रखंड का नाम हो। जहाँ तक विकास की बात है तो हम लोग धीरे धीरे सारे काम को कर ही रहे हैं। अभी अष्टम उड़ाव के घर को हम लोग अम्बेडकर आवास भी स्वीकृत कर रहे हैं और बाकी जो भी योजना है जिसमें हमारी लगातार बातें होती है मुखिया जी से भी, वो भी एक्टिव होकर इस में काम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें देना होगा विकास का वो हम लोग। बहुत दूरवर्ती क्षेत्रों का जो हम लोग जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, वहाँ का न्यूज़ हम लोग को मिल जाता है आप लोग के द्वारा। इसलिए आप लोग को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोग को समस्याओं से अवगत कराते हैं और उस समस्या को हम लोग समाधान करने के लिए तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। झारखंड सरकार ने राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण अलग अलग जिले के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। लेकिन इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके घर और गांव की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सरकार और जिला प्रशासन को चाहिए कि इनके समस्याओं का समाधान करे ताकि ये नौनिहाल राज्य और देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर सके। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।